और एक बड़ी बात नितिन गडकरी की तरफ से कही गई है। खुलासा दरअसल इसे बड़ा कहा जा सकता है क्योंकि नागपुर में पत्रकार पुरस्कार समारोह था और समारोह के दौरान संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि एक वरिष्ठ विपक्ष नेता ने मुझे प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था। मैंने कहा कि मैं एक विचारधारा और विश्वास पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ जिसने वो सब कुछ दिया है जिसकी कल्पना नहीं की थी। कोई भी प्रस्ताव मुझे नहीं लुभा सकता है। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं किसी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है, नितिन गडकरी की तरफ से ना तो समय बताया गया कि कब किसने उनसे इस बात को कहा, ना ही उस व्यक्ति का नाम बताया गया है जिसने उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था कि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहिए क्योंकि हम आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि नितिन गडकरी ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य पीएम बनने का नहीं है बल्कि कार्य करने का है। मैं किसी पद के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। तो बड़ा खुलासा है नितिन गडकरी का। नागपुर में दरअसल पत्रकार पुरस्कार समारोह के संबोधित करने के दौरान नितिन गडकरी ने इस बात को कहा कि एक वरिष्ठ नेता ने मुझे प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। वरिष्ठ विपक्ष नेता ने मुझे प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था। वरिष्ठ विपक्ष नेता का जिक्र नितिन गडकरी ने किया है।